बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप शुरू खुदा के नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर याकूब, 7 से 8 मुदस्सर याकूब के साथ सीजन 2 में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। आज हमारे मेहमान हैं जी अनवार, जो एक एजुकेशनिस्ट और एक सोशलिस्ट हैं। इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका बहुत बहुत इस्तकबाल। वार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वार साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें कि जब से हमने अनाउंस किया कि आप हमारे गेस्ट रहेंगे, आज दिन में ही हमने बहुत सारी फ़ोन कॉल्स जो है मौसूल हुई है, इसलिए हमने मुनासिब सोचा कि कुछ फ़ोन कॉल्स को आज के प्रोग्राम के दौरान भी लेंगे। अपने नाज़रीन को बता दें कि इस प्रोग्राम के दौरान हम कुछ फ़ोन कॉल्स आपसे लेंगे, और जो जिस फ़ोन नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। आपको भी बता दें कि फ़ोन नंबर है 7006098482। ये फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। आज के प्रोग्राम में किस बारे में बात होगी, किस पर मुबाहिसा होगा, और किस बारे में हम आज वार साहब को जवाबदेह बनाएंगे, एक छोटी सी नज़र सिर्फ 20 सेकंड में। आज आपके सवालों का जवाब देने की खातिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे जी अनवार, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। प्राइवेट स्कूल्स पर इल्ज़ाम है कि ये कवानीन और नज़्म व ज़ब्त को बालाई ताक रख के मनमानी करते हैं और वालदीन को दो दो हाथों से लूटते हैं। हालात कैसे भी हों, इनकी जेबें बड़ी बड़ी रकूमात से भरी रहनी चाहिए, और इसके खातिर ये मुख्तलिफ नामों पर वालदीन से फीस लेते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के मुंतज़मीन ने आम लोगों का खून चूस कर अपने लिए बड़े बड़े महल खड़े किए हैं, ये इन पर इल्ज़ाम है। लेकिन अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त जब आता है तो ये कुरान की आयात तिलावत फरमाते हैं। आज के प्रोग्राम में होंगे कुछ तलख सवाल। ये गुफ्तगू हो रही है बराह रास्त 7 से 8 मुदस्सर याकूब के साथ। सात से आठ मुदस्सर याकूब के साथ सीजन 2 में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल। मुख्तसर हम आपको बताया कि आज हम जेर बहस क्या लेने वाले हैं और किन बातों पर आज बात होगी जी अनवार साहब से। जी अनवार साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी तारुफ के मोहताज हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपने नाजरीन को बता दें कि ये जो है जी अनवार साहब, ये प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने बतौर एजुकेशनिस्ट और बतौर सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी सराहना की गई है, की जा रही है और की जानी चाहिए। तारीफें बाद में, शुरुआत करते हैं इल्ज़ाम के साथ। वार साहब, सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि प्राइवेट स्कूल एक माफिया है जो तालीम के नाम पर वालदीन को दो दो हाथों से लूट रहा है। देखिए, ये अल्फाज माफिया इस्तेमाल करना, ये हमारी जहनी सोच का गमाज है कि हमारी सोच कहाँ पहुँची है। जब हम एजुकेशन को माफिया कहेंगे तो फिर रहा क्या। हम एजुकेशन को नहीं, एजुकेशन इदारों को, जो इस जो लोग इसको चलाते हैं उनके बारे में ये लोगों का इल्ज़ाम है। देखिए, अगर मस्जिद के बाद किसी चीज़ का दर्जा है तो वो इस स्कूलों का है, दरसगाहों का है जी। तालीम तालीम है, आप इसको कोई भी नाम दें, तालीम तालीम ही रहेगी। इसी वजह से आलाती इलम, जहाँ आपको इल्म की कदर करनी है, आलाती इल्म की कदर भी करनी है। इसी तरह से हम बचपन से जो देखते आए थे कि जब हम किताब की दुकान पे आते थे तो कभी बुक सेलर के बारे में ये नहीं कहते थे कि इसने किताब सस्ती बेची या महंगी बेची, कहते कि हमने किताब ली, इस किताब में क्या है। इसी तरह से जितने जो भी स्कूल हैं, स्कूलों की इज़्ज़त करना अगर हमें नहीं आता है तो बस एक कौम या हमारी इखलाकी जो है वो जवाल की गमाजी कर रहा है। लेकिन हमारा जो इल्ज़ाम है वो प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है, क्योंकि स्कूल का जो दर्जा है, जो वो मुक़द्दस जगह है, वो मुक़द्दस जगह है, हम इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं, एक पाक जगह है। लेकिन हमारा जो सवाल है, जो लोगों ने हम तक पहुंचाया है, जो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जो मुंतज़मीन स्कूल के होते हैं वो लोगों को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। सवाल है कि अगर हमारा ये कौमी किरदार बन चुका है तो हम फिर किसको
किसको माफ़ करेंगे, किसको छोड़ेंगे, किस पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। सवाल यह कि स्कूल का जहाँ इंतज़ामिया का ताल्लुक है, इंतज़ामिया में प्रिंसिपल आता है, वाइस प्रिंसिपल आता है, एकेडमिक हेड आता है, डिसिप्लिन जो उसके साथ सुपरवाइज़र्स टीचर्स वगैरह आते हैं, जो स्कूल का मालिक जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ़ एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर का काम होता है कि उसने एक फैसिलिटी बनाई, स्कूल कायम किया, अपना पैसा लगाया, उसके बाद वो रिटर्न देखेगा, मुझे रिटर्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये एक बिज़नेस का पार्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन स्कूल के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जब हम बोलेंगे, क्योंकि जब हम इदारों के चलाने वालों के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उसी इदारों में हमारे बच्चे भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ने वही जाते हैं, वो क्या एक्स करेंगे। तो बेटर ये है कि अगर हम स्कूल के मालिकान को माफिया समझ रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम उन स्कूलों में अपने बच्चे ही न भेजें। हालात वाकत ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, कोविड का सिलसिला चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वो भी नाम निहाद है लोगों के मुताबिक। इससे पहले 5 अगस्त से यहाँ पे स्कूल्स बंद थे, फिर भी ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और बाकी जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो मांगा जाता है। सवाल यह है कि आज ही ये क्वेश्चन क्यों उठा। 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में जब सारे स्कूल बंद हो गए, पूरा सरकारी निज़ाम टोटल ठप हो गया, उस वक़्त यही स्कूल थे जिन्होंने यहाँ तालीम की शमा रोशन रखी। फीस उस वक़्त पेरेंट्स ने दी क्योंकि उस वक़्त ये पॉलिटिसाइज नहीं हुआ था। लेकिन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि उस वक्त ये लूट नहीं थी, लेकिन फीस तो वही थी। आप अगर उस वक्त भी फीस स्कूलों की कंपेयर करेंगे, फीस आज के हिसाब से कम नहीं थी, फीस बिल्कुल वही थी, लेकिन उस वक्त सियासत नहीं हुई थी इस पे। आज सियासत की जा रही है। सरकार एक और फ़र्क है वार साहब जी, तब और अब में, तब सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, उनके बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूल्स में, और जो गरीब का बच्चा है वो किसी सरकारी स्कूल में अपनी तालीम हासिल करता था। आज एक गरीब जो है वो भी अपना बच्चा इस उम्मीद के साथ कि इसकी तालीम और तरबियत अच्छी हो, कल कोई IAS KAS और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर सके, इसलिए वो प्राइवेट इदारों में अब दाखिल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मुदस्सर साहब ये एक हिपोक्रेसी है? आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। एक तरफ मैं अपने बच्चे को, जो मेरा सबसे कीमती असासा है, उसको एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इन स्कूलों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, क्या हिपोक्रेसी नहीं है? इल्ज़ाम हमारा नहीं है, इल्ज़ाम रूल्स का है। आप देख लीजिए कौन सा प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो करता है। फी फिक्सेशन कमेटी जो है उसके जो रूल्स है उन्हें कोई एडहेयर नहीं करता। देखिए सवाल यह कि पहले ये बात देखिए कि क्या प्राइवेट स्कूलों के पास कोई स्पेस है? स्पेस के सिलसिले स्पेस स्कूल जो बने वो जब सरकार क्वालिटी नहीं दे पाई तो उस खला को पूरा करने में, खासकर 91 के दौरान जब पूरा निज़ाम यहाँ तहस नहस हो गया, स्कूली निज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद सरकार का स्लोली जो है जो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो जब दिन ब दिन डिक्लाइन होती गई तो प्राइवेट सेक्टर ने उस वैक्यूम को पूरा किया। ठीक, उसी वैक्यूम को पूरा करते करते आज प्राइवेट सेक्टर वहाँ पहुँचा है कि जहाँ पर एक पेरेंट अपनी खुशी से लाइन में बैठ के इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराता है। ठीक, रही इल्ज़ामात की बात, देखिए इल्ज़ामात ये एक इंसानी फितरत है। जहाँ भी फीस देने की बात आती है वहाँ पे सीधी सी बात है, एक पेरेंट सिर्फ उसको फीस की नज़र से ही देखता है, लेकिन ये सिर्फ 0.1% पेरेंट है। आप ये देख लीजिए 99.98% पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास भी जो शिकायतें आई है, मुझे याद है जब आप यहाँ के लीडिंग अखबार में लिखते थे और एजुकेशन बीट आपका था, लगातार ये इशूज़ आप उन दिनों भी हमारी खूब खिंचाई करते थे जो सामने है आपके, लेकिन उस वक़्त भी जो हमने एनालाइज किया जो शिकायतें थी वो 0.1% भी नहीं थी। लेकिन वार साहब, जो आपका जवाब है आपकी तरफ से बड़ा खूबसूरत जवाब है, लेकिन लोगों को यह हजम नहीं होता। आप देख लीजिए हाल ही में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कहा कि हम फी वेव ऑफ कर रहे हैं ऑन मेरिट बेसिस, अगले दिन आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखिए शुकुक शुबात एक माहौल यहाँ बन चुका है जो एक अलमिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी। देखिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले कुछ पेरेंट्स के नुमाइंदे हमारे पास आए थे, उनसे हमारी बात हुई। हमने उनको अच्छी तरह समझाया कि देखो इस वक्त मसला तालीम को होना चाहिए, फीस लेना देना एक छोटा मसला है, क्योंकि कोई भी स्कूल इतना संगदिल नहीं हो सकता है कि एक आदमी की पूरी आमदनी ख़त्म हुई है, उसके पास कुछ है नहीं और मैं उसको कहूँ फीस दे दूँ। स्कूल वाले इंडिविजुअल सतह पे वो चीज़ देखते हैं। लेकिन संगदिली से मुझे एक बात याद आई वार साहब कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को कहा या उनके वालदीन को कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन असाइनमेंट हासिल करने के लिए आपको स्कूल आना होगा, उनको सिर्फ इसलिए ये कहा गया ताकि उनको कहा जाए कि आप अपनी फी कार्ड साथ लाएं,
जिन्होंने फ़ी अदा की है उनको वो असाइनमेंट देंगे हार्ड कॉपी, जिन्होंने नहीं दी है उनको कहाँ गए पहले आप फीस क्लियर कर दीजिए। देखिए सवाल यह है कि स्कूल एक फैसिलिटी है जिसमें बच्चे को सर्विस मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर क्लास जो भी, इसमें बच्चे को सर्विस मिलती है, टीचर सर्विस देता है और पेरेंट फीस देता है, ये एक फैसिलिटी है जी। हमें इसको समझना, हम मानते हैं इस बात अगर को? अगर ये फैसिलिटी को हम कायम नहीं रहेंगे बसित कौन, तो मुझे बताएं फिर इन इदारों को कौन कायम रखेगा। नहीं मेरा सवाल मुख्तलिफ था कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे वालदीन हैं जो बिजनेस से वाबस्ता है, तिजारत करते हैं या कहीं पे प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, उनको ना तो कोई तनख्वाह मिली और ना ही उनका कोई तिजारत इस दौरान हुआ। अब उनसे आप कहते हैं कि आपको असाइनमेंट्स तभी मिलेंगे जब आप फी क्लियर करेंगे, लाएंगे कहाँ से? देखिए सवाल ये है कि अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो बाकायदा ऑर्डर आया है उसमें ये क्लियर बात है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं महज फीस न होने की वजह पे, महज फीस न होने की वजह से किसी को ऑनलाइन टीचिंग नहीं रोकी जाएगी। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि अगर कोई मुस्तहक और गरीब बच्चा ऐसा है कि जो फीस नहीं दे पाता है, इंडिविजुअल स्कूल हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। नहीं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों ने एक हरबा इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं लेकिन अब वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट लेने के लिए आप स्कूल आ जाइए और फी कार्ड साथ लाइए, ये एक हरबा हुआ ना कि यहाँ पे आप पहले फी क्लियर कीजिए। सवाल है कि अगर ये हरबा है, अगर ये तालीम नहीं है तो पेरेंट क्यों जाए फिर? नहीं, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कोविड की वजह से गैदरिंग मुमकिन नहीं है, ममनू है, प्रोहिबिटेड है, 144 सेक्शन लगा हुआ है, आप पेरेंट्स को कहते हैं कि आप आ जाइए स्कूल? ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आप भी जानते हैं मुदस्सर साहब कितनी तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, मेरा सवाल मुख्तलिफ है वार साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि फी को फोर्सफुली लेने के लिए उन वालदीन से जिनके पास इस वक्त पैसा नहीं है, आप उनसे कहते हैं? मुझे बताएं लॉकडाउन हमने भी नहीं किया वार साहब, पेरेंट्स ने भी नहीं किया जी, ये सरकार की वजह से हुआ, सरकार की अच्छी या गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर हम नहीं जाएंगे जी। सवाल ये है कि जहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब दूंगा, हम दोनों सही भी हो सकते हैं, हम दोनों गलत भी हो सकते हैं, हम में एक सही भी हो सकता है, एक गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मामला है कि आप भी सही हैं मैं भी सही हूँ, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उसका एक रोल बनता है, 12,000 करोड़ बजट सरकार का है और प्राइवेट स्कूलों को अगर आप देखेंगे इन गरीब वालदीन की तादाद, ये 10-15 करोड़ से तजावज नहीं कर जाएगा। क्या इस 12,000 करोड़ में से 15-20 करोड़ अरेंज नहीं हो सकते? गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस दी थी कि आप ट्यूशन फी ले सकते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फी जो है वो नहीं लेंगे, एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, फिर भी आपके बहुत सारे स्कूल्स ले रहे हैं। देखिए यहाँ ये रिटर्न ऑर्डर है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ट्रांसपोर्ट फीस हम नहीं लेंगे, उसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट फीस विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन, ए विव विल बी टेकन लेटर ऑन। इसके अलावा हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो है एक पेटिशन भी इस ताल्लुक से है। आप इन पैसों का करेंगे क्या? हाँ, ट्रांसपोर्ट फीस आप इन पैसों का करेंगे क्या? सवाल यह है कि हमारे पास आता भी कितना है? नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन फी आप लेंगे उसका करेंगे क्या? देखिए गाड़ियां चली नहीं, पेट्रोल हुआ, सिंपल सी बात, ये आपने मुदस्सर साहब बहुत ही, क्योंकि आप हमेशा स्कूलों की खिंचाई ही करते रहे, बात सही है। ट्रांसपोर्ट में जहां तक देखिए आप, इसमें फ्यूल बचता है जी, इसमें किसी हद तक वियर टेयर मेंटेनेंस भी बचता है और उसको आप कैलकुलेट करिए वो 22-23% से ज़्यादा नहीं है, 74% जो खर्चा, हाँ 23 और यो 74-75% जो खर्चा है वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस हैं, फिटनेस सब कुछ है। मुझे बताइए सरकार ने कौन सा टैक्स माफ़ किया? बिल्कुल, सरकार इंश्योरेंस माफ़ करे, टैक्सेस माफ़ करे, ड्राइवर्स की तनख्वाह दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो खर्चे तो बदस्तूर कायम है, 22% बच रहे। इसी वजह से हमने एसोसिएशन लेवल पे कहा कि जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन आता है तब तक पेरेंट्स 50% ट्रांसपोर्ट फीस दें और वो अगर कल गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है या कल कंसेंसस बन जाता है तो उस फीस को एडजस्ट भी किया जाएगा, लेकिन राइट नाउ ड्राइवर्स की, हेल्पर्स की और जो उसके साथ जुड़ा हुआ स्टाफ है उनकी सैलरी का मसला है। मुझे बताएं सरकार ने इस कोविड में कौन सा टैक्स, कौन सी सर्विस माफ़ कर दी? और ये वार साहब जो आप बात कर रही है ना कि जो आप स्कूल बसेस होती है जी, आप कहते हैं कि जो आप फी चार्ज करते हैं एक तालिब इल्म से, आप उसमें अपना ये रखते हैं कि हमें कल को टैक्स भी देना है, हमें कल को मेंटेनेंस भी देनी है, हमें लाइसेंस को रिन्यू भी करना है, ये सारे चार्जेस उसमें आप रख लेते हैं, तो इस हिसाब से तो जो आम मुसाफिर गाड़ियां हैं उसमें तो किराया 100 रुपये होना चाहिए। देखिए मैंने इसमें बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं जोड़ा, चूंकि सीधी सी बात है स्कूल पे कर अभी गवर्नमेंट ने उसको डेफर किया है, लेकिन इंश्योरेंस तो जाता है ना? नहीं, वो तो साल में एक बार जाता है।
नहीं देखिए देखिए देख, साल में एक बार जत और कितना है, वो ह्यूज अमाउंट है। आप देखिए इंश्योरेंस का एक एक गाड़ी पे 50-60 हज़ार। लेकिन देखिए गाड़ी आप दे रहे हैं, हमारा बच्चा जो है सिर्फ उसको इस्तेमाल करता है, उसको एक महफूज और कन्वीनियंट वे आप देते हैं कि हम आपको पिको ड्रॉप देंगे, तो आप गाड़ी का सारा खर्चा स्टूडेंट से ही मांगते हैं? नहीं नहीं, गाड़ी का अगर ये मुसाफिर गाड़ियों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया तो ड्राइवर का खर्च ऊपर चला जाएगा। देखिए अगर आप देखेंगे गाड़ी की उम्र वैसे भी 14 साल होती है। नहीं गाड़ी आपकी है जनाब, ठीक मालिक आप, 14 साल के बाद मैं गाड़ी को क्या करूं? नहीं वो ठीक है, आप वो गाड़ी किस लिए है? वो तो फिर एसआरटीसी वाले भी पूछेंगे हमसे, वो तो फिर आम मुसाफिर गाड़ियां भी पूछेंगे हमसे। गाड़ी मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं है, गाड़ी बच्चे के लिए एक फैसिलिटी है। नहीं वो उससे आपके स्कूल का नाम बनता है। देखिए जनाब जो फैसिलिटी स्कूल में रखते हैं उससे आपके स्कूल का नाम बनता है। आप टायर अच्छे रखेंगे आपके स्कूल का नाम है, आप प्ले ग्राउंड रखेंगे आपके स्कूल का नाम है, आप कंप्यूटर रखेंगे आपके स्कूल का नाम है। एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? जो सर्विसेज नेवर कम एट फ्री, सर्विसेज कम एट ए प्राइस। हम कहाँ कह रहे हैं आप वो फ्री में दे दे। तो मुझे बताइए, देखिए देखिए जनाब आप जब गाड़ी आप मुझे बताएं, गाड़ी का फीस हम नहीं लेंगे, ठीक है गाड़ी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ ले ले आप, मैं कहता हूँ कि एक मुनासिब चार्ज ले लें, एक मुनासिब चार्ज ले लें। वो हमने क्या, हमने बाकायदा कहा है कि सिर्फ पेरेंट अप टू 50% फीस भर दें, 50% ही भर दें फीस, और उसमें भी अगर कार कोई ऑर्डर आता है तो उस फीस को उस हिसाब से एडजस्ट भी किया जाएगा। हमारी बिल्कुल पॉलिसी इस वक्त वाजिया है कि किसी तरह, देखिए मुदस्सिर साहब आप बड़ी दानाई से, मैं मानता हूँ आप बड़ी दानाई से काम कर रहे हैं सरकार का। सवाल यह है इस वक्त इशू तालीम है कि फीस है? इस वक्त पूरा सिस्टम जो है पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है। सरकार पे कोई बात नहीं हो रही, सरकार की जिम्मेदारी, 12,000 करोड़ का सरकार के पास बजट है, सर्विस नहीं मिल रही है, कोई उंगली नहीं उठा रहा है। प्राइवेट स्कूलों का 200 या 250 करोड़ से ज़्यादा बजट नहीं है जो पेरेंट की फीस से आती है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात करें। जी कहाँ से बात कर रहे हैं बशीर साहब? जी बताइए, वार साहब सुन रहे हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि फिलहाल पेरेंट से खाली ट्यूशन फी ली जाए, बट इंस्टेड ऑफ दैट, हेलो जी जी सुन रहे हैं, कुड यू हियर मी? जी 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 आपकी आवाज आ रही है, बताइए। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट का क्लियर ऑर्डर आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कि सिर्फ ट्यूशन फी ही आप फिलहाल ले लीजिए, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन फी का है उन्होंने कहा कि उसको बाद में देखेंगे, और दूसरी बात उसमें यह लिखा है कि इस साल कोई फी हाइक नहीं हो जाएगी, नंबर वन। नंबर सेकंड उसमें ऑर्डर में यह भी लिखा है जो पेरेंट्स अभी फी नहीं भर सकते हैं उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट इज दैट द स्कूल आर टेकिंग द एनुअल चार्जेस, द स्कूल आर टेकिंग द बस फी, एंड द स्कूल आर ऑल्सो डिनाइंग आपकी बात आ गई, जवाब देंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब कॉल करने के लिए। जी कुछ सवाल है आप, पहली बात मुदस्सिर साहब अगर ऐसे ही इल्जाम हम पे लगते हैं, ये सवाल है जनाब, इनका नाम बशीर अहमद नहीं है, इसका नाम खुर्शीद अहमद खोजा है जी, और यही पेरेंट्स का तर्जमान अपने आप को जाहिर कर रहा है। खुर्शीद अहमद खोजा अपना नाम झूठ बोल रहा है कि बशीर अहमद है, पहली बात ये गलत है, अफसोस की बात है, और झूठे पे आपको भी मालूम है कि उसके ताल्लुक से क्या सजा होनी चाहिए। सवाल के बारे में क्या कहेंगे? और जहां तक सवाल का ताल्लुक है, पहली बात यह है कि कोई एनुअल चार्जेस जो है, जो उन्होंने बात की, कोई एनुअल चार्जेस, पहली बात यह है कि एडमिशन हमारा जो है था वो अक्टूबर नवंबर सितंबर के आसपास होता है, ठीक। बहुत सारे स्कूलों का अपना अपना स्टैंडर्ड है, किसी का सितंबर में, किसी अक्टूबर, कोई जो मार्च में, वो इशू है नहीं, और हमेशा मिड सेशन में कभी एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वो प्रो राटा बेसिस पे लिया जाए, ठीक, उसमें कोई वायलेशन नहीं हो रही है। रहा ट्रांसपोर्ट का मामला, बिल्कुल इनकी बात सही है कि ट्रांसपोर्ट के तालुक से गवर्नमेंट ने कहा कि इसको भी आप एबियनस में रख लीजिए, इसका डिसीजन बाद में होगा, लेकिन हमने चूंकि इस वक्त चूंकि ड्राइवर्स का मामला, हेल्पर्स का मामला, इसी वजह से कहा कि जो जो पेरेंट दे सकते हैं, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी को कोई स्कूल कोई जबरदस्ती करा तो हमें बताइए। सवाल एक, हम उनको कह रहे हैं कि आप भर दीजिए, क्योंकि ताकि ड्राइवर्स हेल्पर्स वगैरह की और जो है उनकी सैलरियाँ जाए। अफसोस का मामला यह है कि जब एक पेरेंट का की सो कॉल नुमाइंदगी करने वाला अपना नाम भी झूठ बोले, तो आप मुझे बताइए स्कूलों के खिलाफ कितना एक जहरीला माहौल इससे बनाया जा रहा है। इसी वजह से मैंने बार बार कहा, जेन्युइन पेरेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जो गरीब है, जो मुस्तहक है,
स्कूल वाला कभी उसको मना नहीं करेगा, लेकिन जो इस नाम पे सियास करते हैं। ठीक है वार साहब, मुझे ये बताइए, कोविड के पीरियड के दौरान बहुत सारे लोग, हम इस पे बात कर रहे थे, बात रह गई थी, बहुत सारे लोग जो है अपना कारोबार नहीं कर सके, प्राइवेट मुलाजमत कर रहे हैं, तनख्वाह उनको नहीं मिली है, आपकी नज़र में ये जेन्युइन है कि आप उनको फोर्स करें? जब मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब प्राइवेट स्कूल, ये आप चाहते हैं कि उनको फोर्स किया जाए, आप फीस डिपॉजिट करें? एक्चुअली ये अजीब मामला है। मैंने बताया, आप भी सही है, मैं भी सही हूँ। अब जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ हम उंगली नहीं उठाते हैं। सरकार के पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स के तहत से काफ़ी पैसा पड़ा है। इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पता नहीं इस वक्त भी आज दिन में कितने 100 करोड़ रुपए लैप्स हुए होंगे, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से यूज़ नहीं हुआ होगा। मुझे बताइए, आखिरकार सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमने बार बार कहा कि जो गरीब मुस्तहक पेरेंट है, सरकार को चाहिए कि उन पेरेंट्स की मदद करें, बच्चों को स्कॉलरशिप दें, उनकी तालीम का खर्चा। इस वक्त जैसे सिक्किम ने किया, सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, और 4 महीने का पूरा बजट सरकार ने दिया। आखिरकार मतलब अगर मैं आपकी बातों को समअप करूं, आपका ये कहना है कि अगर पेरेंट्स अभी फी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ इमदाद करे प्राइवेट स्कूल्स को, ताकि वो अपने खर्चा जो है पूरे कर सके। हमें ना करे, वो पेरेंट्स को ही दे दे। देखिए ये चूंकि हमारे स्कूल, लेकिन कुछ दिन पहले मैं ये बात कर रहा था आपसे कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि हम फी वेवर दे रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट थी। अगले दिन आपने अपना, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जी लगता है हमारा, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी लगता है रब्ता मुनकता हो गया। जी वार साहब, हम यही बात कर रहे थे, ये आपने बहुत अहम नुकता उठाया कि जहां तक वेवर की बात है, स्कूलों को हमने बिल्कुल क्लियर जो है। पहले सवाल लेते हैं। जी अपना सवाल बताइए और अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मुजफ्फर खान, कहाँ से? श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी मुजफ्फर साहब, जी इनके वार साहब से मेरा सवाल ये है कि ये जो ट्यूशन फीस का गवर्नमेंट का ऑर्डर है जी, तो इसका ये स्कूल डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें ये कंप्यूटर फीस भी ले रहे हैं, जो भी सर्विसेज अवेल नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और बिल्डिंग चार्जेस वगैरह इसमें ट्यूशन फीस में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है जी, जी। तो इसमें जो बेसिक ट्यूशन फीस है वो कितना परसेंट है, तो पेरेंट्स को उतना ही भरना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है वार साहब। जबकि अवेल अभी कर नहीं रहे स्टूडेंट्स, अभी स्कूल अवेल नहीं कर रहे, बिल्डिंग चार्जेस क्यों देंगे, कंप्यूटर फीस क्यों देंगे, बाकी चार्जेस उसमें जो इंक्लूड है वो क्यों देंगे? थैंक यू। तो इसमें कितने परसेंट है ट्यूशन फीस, वो जरा बताएं। ठीक है जी वार साहब, ये अहम सवाल है। देखिए इनका जो कन्फ्यूजन है जी, जी ये कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस में और फीस भी इंक्लूड किए जाते हैं जी, जी ऐसी बात नहीं है। ट्यूशन फीस का कंपोनेंट जो है ये मैक्सिमम सैलरी में जाता है, एनुअल चार्जेस में ये चीज़ें आती हैं, बिल्डिंग फंड आता है, कंप्यूटर वगैरह चीज़ आते हैं, जो मैंने पहले ही बताया उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर प्रोराटा बेस पे। अब क्या है कि ये इन द फिट ऑफ इमेजिनेशन खुद ही उस चीज़ को इससे जोड़ रहे हैं। ट्यूशन फीस बिल्कुल एक अलग मामला है, ट्यूशन फीस का मामला सैलरी से जुड़ा रहता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जो और फीसेज हैं जैसे एनुअल चार्जेस हैं, जैसे एडमिशन फीस वगैरह है, वो एक मामला है जिसके ताल्लुक से गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि इसको प्रोराटा बेस पे लिया जाए, लेकिन ट्यूशन फीस में ज़्यादातर सैलरी कंपोनेंट आता है। और हमें ये बात भी भूलना नहीं चाहिए कि हम 2% बच्चों की बात नहीं करते हैं जो एलीट स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें उन स्कूलों की बात भी करनी है। जैसे आप जानते हैं फलाह आम के 400 स्कूल हैं, उनकी फीस 200-250-300 है, और फलाह आम के टीचर्स के पास पिछले 3-4 महीनों से सैलरी भी नहीं है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, जो है एक अखबार ने कहा था कि एक स्कूल में, एक फलाह आम का स्कूल है, उस 6 महीने से टीचर को सैलरी नहीं मिली है। जब मैंने उसके मालिक से दरियाफ्त करवाया इनडायरेक्टली, पता चला कि उसके पास कोई फीस ही नहीं आई। वार्सअप कुछ अहम और तलख सवाल आने वाले हैं आगे, प्रोग्राम 7 से 8 सीजन 2 आप देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ऑनलाइन कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सोपो से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब जी बताइए, वार साहब सुन रहे हैं आपके सवाल। जो वार साहब बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फीस का, हमने हमसे ट्रांसपोर्टेशन फीस लिया गया, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स था कि ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लेना है अगस्त से लेके। ये इनका कहना था 50% हम ले रहे हैं, आपसे पूरा लिया गया या 50%? 50% ही क्यों लिया गया, जब गवर्नमेंट ऑर्डर था नहीं लेना है, ओनली ट्यूशन फी लेना है, हमने फिर भी हमसे गवर्नमेंट ये बस फी क्यों लिया?
ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी भार साहब जी। देखिए पहली बात यह है कि अगस्त 2019 से ये बात ही नहीं है, सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के ताल्लुक से, अगस्त और सितंबर के ताल्लुक से एक डिविजनल कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था, जो सीधी सी बात है डिविजनल कमिश्नर के पावर्स है नहीं, उसने जो ऑर्डर निकाला था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुका है। रहा उसके बाद कोविड के महीनों के बाद जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, जो मार्च के बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, इस दौरान हमने सिर्फ पेरेंट्स को, स्कूल वालों को यह कहा कि जो जो पेरेंट दे सकता है, देखिए मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि जो जो पेरेंट दे सकता है वो 50% फीस दे, ताकि ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की सैलरी जाए, जो नहीं दे सकता है स्कूल वाला उस पर कोई जो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, किसी को शिकायत हो तो हमारे एसोसिएशन के ऑफिस से रابطہ कर सकता है, हमसे رابطہ कायम कर सकता है। हमने बाकायदा एक लेटर जो है सारे स्कूलों को सर्कुलेट किया है कि किसी भी पेरेंट को ट्रांसपोर्ट फीस के लिए मजबूर ना किया जाए। हाँ, इफ ही कैन पे लेट हिम पे, बट अप टू 50%। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा था कि बहुत अलग सवाल आने वाले हैं और बहुत अहम सवाल आने वाले हैं, मुदस्सर याकूब 7 से 8 मुदस्सर याकूब के साथ इस प्रोग्राम में बहुत कुछ तलक सवाल अभी वार साहब के सामने रखने बाकी हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और बहुत सारे जो मीडियम हैं उनके थ्रू बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं और गिला भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक की ओर चले जाएं और मैं अपने तलक सवाल आपके सामने रखूं, उससे पहले एक और कॉलर से आप बात करना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। इम्तियाज साहब अपना सवाल बताएं। जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकलते हैं स्कूल के लिए, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इनका वेलकम है, लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जो इनके लिए अपना मफाद अच्छे होता है, लेकिन जो बाकी ऑर्डर जो पेरेंट्स के लिए होता है वो ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुझे बताइए इनकी तरफ से फी फिक्सेशन कमेटी जो है, आज तक इन लोगों ने बात क्यों नहीं की है इस पे, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है कि फिक्सेशन कमेटी ने जो ऑर्डर निकाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया जी वार साहब। देखिए फी फिक्सेशन कमेटी पिछले 1.5 साल से हेडलेस है, देयर इज नो चेयरमैन ऑफ द फी फिक्सेशन कमेटी। इम्तियाज साहब ने जो डायरेक्शंस दी थी, इम्तियाज साहब एक साल पहले ही, क्योंकि उनके टर्म खत्म हो चुके, एक साल से ये हेडलेस कमेटी है। इसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी लेवल पे बाकायदा सारे स्कूलों को, इन जनरल सारे स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा, जो अखबारों में भी आ गया, वैसे भी हमने उनको फिजिकली चिट्ठियां भी भेजी, उसमें बाकायदा किया कि देखिए ये रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप जो है पेरेंट्स से चार्ज करेंगे। रहा ये बात कि जो चीज़ हमारे हक में होती है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारे हक में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमें एजुकेशन को समझना है। सवाल लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बड़ा तलख सवाल है, अगर आप चाहे मैं पूछ दूँ या आगे बढ़े। आप बताइए। आप तो फी लेते हैं अच्छी खासी तलबा तालबात से, एक स्टूडेंट को आप चार्ज करते हैं 1000 भी क्लास के हिसाब से, अगर 10वीं में है तो दिस कैन बी अप टू फ्रॉम 2000 to 5000 आल्सो। उनसे तो आप अच्छी खासी रकम जो है वसूल कर लेते हैं तालीम के नाम पे, जो आपके टीचर्स होते हैं उन्हें 3000 तनख्वाह देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो मुझे अंदर से खुद भी एहसास है कि हम जो फीस लेते हैं उसके बाद जो टीचर्स, और बहुत सारे टीचर्स सबसे को आज की डेट में जो है तनख्वाह नहीं मिली है, ईद भी आने वाली है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद कुछ और भी तलक सवाल और इसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, जवाब लेकिन जरूर जी जी जरूर, ब्रेक के बाद और कुछ और भी तलक सवाल आने वाले हैं मुदस्सर याकूब की तरफ से जो लोगों ने रखे हैं आपके पास। उससे पहले कि हम ब्रेक पर चले जाए, एक और कॉलर से कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सलीम है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? श्रीनगर से बात कर रहा हूँ जी। वार साहब सुन रहे हैं, सवाल रखें अपना। सवाल मेरा ये है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनसे कहा गया है ट्यूशन फी लीजिए जी जी, ये लोग ट्यूशन फी फुल ले रहे हैं, आप मुझे बताइए ट्रांसपोर्ट चार्ज का क्यों ये फी लेते हैं, फुल चार्ज लेते हैं ये लोग? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, इससे पहले भी आया था लेकिन वार साहब से मजीद इसमें वजाहत लेंगे, लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद इनके सामने ये भी सवाल रखने हैं कि जो इनके प्राइवेट टीचर्स होते हैं ये उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं करते हैं, और साथ ही में जब वो लीव लेते हैं तो उनकी डिडक्शन होती है सैलरी में से, और साथ ही में ये भी बताएंगे इनसे कि तुलबा तालबात के लिए इनको क्या करना चाहिए जो ये नहीं कर रहे हैं। तलख सवाल और ज़रूर इनको जवाब देना होगा आज के बराह रास्त प्रोग्राम में। आपकी फ़ोन कॉल का सिलसिला भी जारी रहेगा, 7 से 8 मुदस्सर याकूब के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब,
हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तबी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। 7 से 8 मुदसर याकूब के साथ। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। जब मैं एक तालिबे इल्म था कुछ साल पहले की बात है तो हम अपने इसातिज़ा किराम की बहुत इज्जत करते थे। आज भी जब वो इसातिज़ा किराम हमारी राह में कहीं पे मिलते हैं तो हम अपना सर नीचे रखकर उनके साथ अदब से बात करते हैं। आज माहौल दूसरा है। आज का ये इल्ज़ाम है कि आज जो स्कूल्स है ये तालीम नहीं बल्कि एक माफिया चलाते हैं, जिस बात पे वार साहब ने बहुत पहले ही एतराज़ किया। लेकिन कुछ सवाल तो हैं कि जिसकी वजह से लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वार साहब एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल जी आपका। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम उनसे बात करें आपसे जानना चाहेंगे वार साहब कि हमने आपसे पूछा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो उस्तादों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जितना आप उनसे काम लेते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में जो सबसे एक्सप्लॉइट ज़्यादा होता है जिसके साथ ज़्यादती होती है वो प्राइवेट स्कूल का टीचर है। और करते आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैजियाब हो सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपनी खिदमात में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबह परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ता की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता की कंप्लीट बंद बिल्कुल अगर वार साहब इन्होंने सवाल पूछा है आपसे कि इन्होंने खुद कहा कि एक ऑटो ड्राइवर है, अगस्त से इनका कोई कारोबार हुआ नहीं और हम विटनेस है सच बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि यमन लोकन हंस बिजनेस बिल्कुल मुतासर गई तथ मज ऑटो वज मेटाडोर रेड वोल शो बिल्कुल। सवाल इंडिविजुअल सतह पे स्कूल हमेशा कर चीज कंसिडर इंडिविजुअल सतह लेकिन होता कहाँ पे हमें देखे, तो नजर नहीं आता। देखिए इसमें उदय साहब देखिए इस प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों को कुछ फैक्ट्स भी मालूम होने जरूर जरूर। वो ये है कि सवाल ये है कि आप देखिए 1% स्कूल आपका है जिनको जहन में रखते हुए हम बात करते हैं जी।
जो हाई एंड स्कूल है, जिनको लैंड भी फ्री है, जिनको गवर्नमेंट की पैट्रनेज भी मिली हुई है, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी स्कूल हैं जिन जहां ऑटो वालों के या जिसमें जो समाज का गरीब तबका है जहां पे इनके बच्चे पढ़ते हैं, वो वैसे भी इकोनॉमी स्कूल हैं, उनकी फीस वैसे भी कम है, उनकी फीस यही 300, 400, 500, 1000 के आसपास होती है। वैसे भी उनका गुजारा मुश्किल से होता है। पिछले 3 सालों के दौरान 250 से 300 स्कूल बंद हो गए। ऐसे मैं अगर नाम गिनवा लूँ आपके सामने, कई सारे स्कूल हैं जो बंद हो गए फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। सवाल ये है कि एक प्रॉब्लम जो हम अभी तक मीडिया के जरिए एक्सप्लेन करने में अभी तक कामयाब नहीं, कि हमेशा पेरेंट इमोशनल अटैचमेंट की वजह से अपने बजट से ज़्यादा किसी एक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराता है। हम ये मानते हैं कि उसके बाद उसके लिए खर्चे बर्दाश्त करना कभी कभी जो है मुश्किल भी होता है, लेकिन सवाल है कि इसमें स्कूल का क्या कसूर है? स्कूल ने जो फीस मुकर्र की है उसमें बाकायदा एक बजट के हिसाब से स्कूल चलता है। अगर स्कूल को ये फीस नहीं है तो स्कूल क्या करेगा? स्कूल एक फैसिलिटी है। आखिरकार आप मुझे बताइए, सरकार ने जो मैं बार बार कर रहा हूँ, कौन सी फैसिलिटी माफ़ कर दी? कौन सा सरकार ने टैक्स माफ़ कर दिया? सारे के सारे स्कूलों पर कायम है। अब अगर मुझे बताए, स्कूलों का एक ही आमदनी है, वो है फीस। सरकार अपने बजट में से 10% भी कम करे, फिर सरकार जो चला के दिखाई। अगर स्कूल का बजट कम होता है, खासकर जो इकॉनमी स्कूल हैं जिन स्कूलों की फीस कम है, उसमें तो वैसे भी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? मदर साहब, मैं निसार अहमद बोल रहा हूं, श्रीनगर से। जी निसार साहब, अपना सवाल रखें। सर वार साहब से ये सवाल पूछना था, अगर फीस इंजेक्शन कमेटी ने 2019 में एक ऑर्डर निकाला है जी, तो ये वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि उससे पहले भी इनके फेवर में एक ऑर्डर आया था, तो वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने। ओके, ये व्हाट्सएप एक सवाल जो पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं कि जो भी हुक्मनामे आपके हित में जारी होते हैं, आपके हक में जारी होते हैं, आप रातों रात उससे अमली जामा पहनाते हैं, जो आपके खिलाफ होता है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये तो अब तालीम के नाम पर सियासत हो रही है। पहली बात यह है कि पिछले 1 साल से फीस कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो कोई ऑर्डर आया नहीं। और जो गाइडलाइंस पहले से हमारे पास जो है, पहले से गाइडलाइन है, उसमें कि जिस स्कूल की भी 1000 तक फीस है उसको फीस कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और जिसको भी 6% ईयरली इंक्रीज करना है उसको भी फीस कमेटी के पास नहीं जाना है। ठीक, उस हिसाब से स्कूल उसी गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। स्कूल कोई रूल वायलेट नहीं करता है, क्योंकि देखिए अगर किसी पेरेंट की शिकायत होती है तो एक ही इधारा थोड़ा है, ग्रीवेंस सेल है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, कंज्यूमर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज, एक ही अथॉरिटी नहीं है। ये लोगों में तासर है कि आपने सबको खरीदा हुआ है। देखिए सवाल हर एक जानता है कि प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल इतना मुनाफा बख्श बिजनेस होता तो आपके पड़ोसी में वाथोरा में कश्मीर तो पब्लिक स्कूल था, उस पे बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहां से? हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? मंजूर अहमद, श्रीनगर से। जी मंजूर साहब, अपना सवाल रखें। हेलो जी, जी बताइए, अपना सवाल बताइए। मुझे व्हाट्सएप पे सवाल करना है जी। व्हाट्सएप से मुझे ये सवाल करना था कि आप ये बोलते हो कि स्कूल वाले और कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, अगर खाली ट्यूशन फीस को ले रहे हैं तो चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस ले, लेकिन उसमें बाकी फीस जो कंप्यूटर फीस है, बच्चा कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कंप्यूटर फीस कैसे देगा? ठीक है, आपका सवाल आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बार बार आ रहा है वार साहब। देखिए सवाल है कि पहली बात है कि ट्यूशन फी जो होता है स्कूल का, ट्यूशन फी जो होता है उसमें इंक्लूड होता है ये कंप्यूटर फी भी? नहीं, उसमें नहीं। उसमें देखिए ये आता है एनुअल चार्जेस में। एक्चुअली ये कन्फ्यूज कर रहे हैं अपने आप को, ये एनुअल चार्जेस को कन्फ्यूज कर रहे हैं किसके, ट्यूशन फीस के साथ। ट्यूशन फीस हमेशा टीचर्स की सैलरी में जाता है और उन जरूरी खर्चों में जाता है जो ऑलमोस्ट टीचिंग रिलेटेड ही होते हैं, रहा कंप्यूटर, रहा बिल्डिंग फंड, जैसे बार बार कह रहे हैं वो एनुअल चार्जेस में आते हैं, और एनुअल चार्जेस के बारे में गवर्नमेंट का ऑर्डर है, प्रोराटा, जिस पे अमल हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो आमतौर पर कन्फ्यूजन पेरेंट्स को रहता, हमने बार बार जो है ऐसे पेरेंट्स को कहा कि आप स्कूल एसोसिएशन से रابطہ करें। देखिए 95% से ज़्यादा स्कूल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे स्कूल वही करते हैं, चाहे
आप कोई भी स्कूल ले लें, जो एसोसिएशन का सर्कुलर जाता है नॉर्मली स्कूल उसको वायलेट नहीं करते। हमारे पास जो भी शिकायत आती है हम तो उसको 3-4 दिन में सॉल्व कर देते हैं। आज तक एक कंप्लेंट बताएं हमारे पास आई, हमने उसको सॉल्व नहीं किया। हाँ, कुछ कंफ्यूजन होते हैं जो हम दूर करते हैं। वी फेवर के लिए क्या हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात हम कह नहीं पाते हैं, आपको मालूम है सारी डिटेल तो नहीं, ऑपरेशन पार्ट उसका है। हमने बताया कि जो जो पेरेंट बहुत ही मुतासर हुआ है वो स्कूल के पास जाए। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि एक पेरेंट स्कूल के पास जाएगा, मान लीजिए मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं अच्छा खासा कारोबार करता हूँ, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से मेरा कोई कारोबार नहीं हुआ, आपको लगता है कि मैं स्कूल के पास जाऊँगा और कहूँगा कि मुझे बीक चाहिए, मेरा फी जो है वे ऑफ कीजिए? एवरीवन हैज़ सेल्फ एस्टीम। आपके पास रिकॉर्ड होता है किसके किसका पेरेंट ताजिर है, किसका गवर्नमेंट मुलाजिम है, और यहाँ तक ये भी आप जानते हैं कि गेजेटेड पोस्ट है कि नॉन गेजेटेड पोस्ट है, आप वहाँ से देख लेते कहाँ पे फी वेवर की जरूरत है। बात आपकी सही है, यू आर नॉट सिंसियर। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो जिन लोगों की आमदनी अच्छी खासी है या वो तो रिकॉर्ड आपके पास है, वो किन स्कूल में पढ़ते हैं? वो उन स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ वो एडवांस फीस देते हैं, वो हाई एंड स्कूल है। देखिए आमतौर पे ये क्वेश्चन जो करते हैं इकोनॉमी स्कूलों के पेरेंट्स करते हैं। इकोनॉमी स्कूलों के पेरेंट्स की फीस वैसे भी कम है और वो तो वैसे भी लोन लेके अपना जायदाद बेच के स्कूल कायम किए हुए हैं। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन है कि जिन बड़े स्कूलों में लोग एडवांस फीस देते हैं ये उनकी बात करते हैं। इस पे बात जारी रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं जनाब नजीर अहमद वानी सभा कदम से। जी बताइए। सवाल छी, तीन सवाल छी, एक पेटन के पेटन लगती करे मैं फोन के अशमंत आशी सोन अच्छा बच पढ़ना इनके अलग अलग था अभी क्या इसके अच्छा कोई ना स्पाई रिपे गया है कि वन ना फीस देरी ना कोई देरी तन मजी तो इमल एक नो के नए क्लास जैसे दिमाग है क्या हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है कि अनपढ़ रखना है? ये साथ ही में की जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। देखिए सवाल एक, हमें एक चीज मानना पड़ेगा वो ये है कि जिसकी तरफ आमतौर पर तवज्जो नहीं जाती है, हम 2G चला रहे हैं, फीस देते हैं 4G की, इस पे किसी की नज़र नहीं है। स्कूलों के फीस पे बात उठेगी लेकिन इस पे किसी की नज़र नहीं है कि 2G हम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि 2G भी अच्छी तरह नहीं चल रहा और 4G की पेमेंट हम इन कंपनीज को कर रहे हैं। एक दूसरी बात है कि सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि इन हालात में एजुकेशन को कैसे जारी रखा जाए, तालीम को कैसे जारी रखा जाए। देखिए हमने बार बार सरकार से कहा, सुप्रीम कोर्ट भी हम गए कि 4G की कनेक्टिविटी यहाँ पे किसी तरह से, अब इन हालात में चूंकि 4G को रोकने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये हमारे हाथों में है नहीं। इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी बनी है नहीं बनी है वो आज तक हमें मालूम नहीं है। अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्कूलिंग के थ्रू किसी तरह से ऑफलाइन ऑनलाइन कॉमन करिकुलम के थ्रू और फैसिलिटेटर और उसके साथ रिसोर्स पर्सन उनको कोऑर्डिनेट करके हर एक पेरेंट हर एक बच्चे को एक्सेस हो, उसके लिए हम इस वक्त कोशिश में हैं और बहुत हद तक हमें कामें भी इसमें मिल रही हैं। लेकिन आप भी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से या दूसरे जो हालात हो रहे हैं इस वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम इस पर लगे हुए हैं। हमारे लिए सबसे अहम मामला तालीम है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। एक कॉलेज हमारा इशू नहीं है, कॉलेज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शबीर अहमद बोल रहा हूँ यहाँ लाल बाजार से। जी शबीर, मेरे बच्चे जीडी गोयनका में पढ़ते हैं। ओके। हम पर मंथ 5,000 देते हैं जीडी गोयनका को। जी। आप मुझे वार साहब से पूछना क्या वो उसकी ना पर मंथ कम से कम 10 करोड़ है, मतलब क्या वो सारा 10 करोड़ उसकी सैलरी पे जाता है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये सारा सैलरी पे जाता है? ट्यूशन फीस होती है 3 कंपोनेंट्स पे, सैलरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस ये वाटर बिल, लेकिन वो हमसे स्विमिंग पूल बाकी चीजें जो हमारे बच्चे कभी अवेल ही नहीं करते हैं, ये मिसलीड क्यों करते हैं ये पेरेंट्स को और ये आवाम को कि नहीं ये सैलरी पे जाता है? मुदस्सिर साहब, इस पेरेंट के दोनों इसके सवाल के दोनों हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट इसने कहा कि क्या ट्यूशन फीस में इलेक्ट्रिक बिल और पानी का बिल आता है। देखिए कितनी कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग होती है, जरा आप मैथ चेक कर लीजिए। सवाल ये है बिजली बिल कितनी होती है, वैसे भी स्कूल तो दिन में ही चलता है, रात में नहीं चलता,
ये कितनी होती है, 5,000 मान के चलिए साल के, वो 60,000 हो गई, और पानी की बिल 3,000, 4,000, 5,000 साल की होगी, वो तो एक्सपेंसेस का 0.1% भी नहीं आता है, एट द मोस्ट ये आएगा 1% के आसपास आ सकते हैं, बल्कि उससे भी कम। यानी इस वजह से ये कहना कि ट्यूशन फीस में ये भी जो है, इसमें बिजली बिल भी, पानी का बिल भी, ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट है। रहा गोयनका की बात, जैसे उन्होंने कहा, सवाल ये है कि पहली बात यह है कि इनको किसने कहा कि ये गोयनका में एडमिशन ले लें। वो एक फ्रेंचाइजी है, और फ्रेंचाइजी स्कूल होने की वजह से इसको एक रॉयल्टी देनी है बाकायदा दिल्ली वालों को। ठीक, अब देखिए ये मार्केटिंग का मामला है, उन्होंने मार्केटिंग की, ये वहाँ गए और एक अच्छी फीस देने पर आमादा हो गए। अब सवाल ये है, अब स्कूल वाला सीधी सी बात है, इनको ये तो नहीं कहेगा मुझे एक इसमें एक अमाउंट जो है दिल्ली के फ्रेंचाइजी स्कूल को पे करना है, इसके साथ ये फैसिलिटी जो है जो उसने फराम की होगी, फिर देखिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब सवाल ये कि पेरेंट के पास अपना ऑप्शन है ना, अपनी मर्जी है ना, किसने इनको कहा वहाँ जाने के लिए, इतने सारे स्कूल हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, सरकारी स्कूल भी ख़राब नहीं है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनकी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ। क्या वजह है कि यहाँ सरकारी स्कूलों के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा? वार साहब, अब हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि जो हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, IPTV पर देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम अभी दूसरी कॉल नहीं ले सकते हैं, बहुत कम वक्त है, इसलिए 7 से 8 मुदसर याकूब के साथ थोड़े से तलख सवाल जो हमारे रह गए हैं, हम चाहते हैं कि वो हम आपके सामने रखें। बहुत ही मुख्तसर सवाल, बहुत ही मुख्तसर जवाब। आपने इस बात पर एतराज़ किया कि प्राइवेट स्कूल माफिया नहीं है, लेकिन इनके हरकत से आपको नहीं लगता कि इनको माफिया कहना सही होगा? आप दो दो हाथों से इस तरह से लूटते हैं कि कोविड में भी आपको डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करके कहते हैं फी डिपॉजिट करें, और दूसरी तरफ से टीचर से कहते हैं कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। देखिए, प्राइवेट स्कूल एक अजीम काम कर रहे हैं, इन पे ये माफिया का इल्ज़ाम देना ये हमारी जहनी दिवालियापन की अलामत है। अगर हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ ये बात, क्योंकि स्कूल के मालिक पे इल्ज़ाम लगाने का मतलब है कि आप उस पूरे निज़ाम को नगेट कर रहे हैं, बच्चों पे इसके क्या असरात आएंगे, उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर आएगा? आखिरकार मुझे बताएं, एक तो मैं अपनी मर्ज़ी से स्कूल में बच्चे को दाखिल करता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि उसको अच्छी तालीम मिले, फिर ये इल्ज़ाम देता हूँ कि ये फीस क्यों ले रहे हैं? लेकिन यहाँ पर एक धोखाबाजी भी होती है प्राइवेट स्कूल की तरफ से। आप अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, एक अच्छा ग्राउंड बनाते हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लाते हैं, फिर पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, और आप उसको खुद भी पता नहीं होता कि मैं एक जाल में फंसता जा रहा हूं। सवाल यह है, पहली बात यह है कि स्कूल हर पेरेंट के पास एक ऑप्शन है। अगर किसी पेरेंट को लग रहा है कि मुझसे धोखा हो रहा है, वो हमारे पास आए, अपनी डिस्चार्ज ले ले, किसी और स्कूल में जाए या सरकारी स्कूलों में जाए, उसको कोई रोक नहीं रहा। ये सोपोर से एक सवाल आया है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में अब अपने वालदिन चाहते हैं कि उनको वहाँ से निकाले और किसी और स्कूल में दाखिल कर दे, सरकारी स्कूल में ही सही, लेकिन स्कूल वाले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जो पेरेंट भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना चाहता है ये उसका हक है, फीस क्लियर करें, जो भी उसकी बाकी एक्सपेंस होंगे, जो स्कूल के भी जितनी भी फीस बाकी होगी, जो रूल है उस हिसाब से चले। अगर स्कूल DC नहीं देता है, वी विल एंश्योर उसको हफ्ते में DC। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए कोई रकम आपको आगे नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स से चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए जिस तरह आपने तलख सवाल के एक तलख जवाब दे दिया है कि कश्मीर एक ऐसी बदनसीब जगह है जहाँ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी सरकारी बाबू से काउंटर साइन कराने पर और उसको रिश्वत बाकायदा जाती है। आप देते हैं रिश्वत? बाकायदा उसके लिए रिश्वत जाती है, हर एक स्कूल देते हैं। वजह से हमने सारे स्कूल देते हैं, देखिए सारे स्कूल देते हैं, सारे प्राइवेट स्कूल देते हैं। देखिए, आमतौर पर शिकायत रही है, मुझे बताएं, जब CBSE में काउंटर साइन नहीं है तो बोर्ड में काउंटर साइन क्यों? हमारे स्कूलों में वो आप मामला सरकार के साथ उठा सकते हैं, क्यों? वो मामला आप सरकार के सवाल साथ ये है, अपने टीचर्स को आप इतनी तनख्वाह कम देते हैं और यहाँ से आप फी को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन सालाना जो असातिज़ा के किराम के इंसेंटिव्स होते हैं, सैलरी होती है, उसको आप बढ़ाते नहीं है, उनको हड़ताल पे जाना पड़ता है। हर टीचर की सैलरी बढ़ती है एज पर इनकम ऑफ द स्कूल। क्या आप इस बार कोविड के जो पीरियड है उसका वेव ऑफ करेंगे उन वालदीन के लिए जो डिजर्व करते हैं? देखिए, जो भी डिजर्विंग पेरेंट है, हम उनको बार बार कहा कि वो इंडिविजुअल स्कूल्स के पास जाए, कोई नहीं जाएगा हाथ फैला के। वार साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पेरेंट एप्लीकेशन लेके या वर्बली नहीं जाएगा प्रिंसिपल के पास। ये भी हकीकत है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो है वो फिर सोचेंगे कि इसका बच्चा मेरे स्कूल के लायक है। और ये भी हकीकत है कि आपके पास सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, कौन सा पेरेंट क्या काम करता है, उनका हम खुद ही ध्यान रख रहे हैं। अलबत्ता वो स्कूल जो बहुत ही गरीब
गरीब हैं जिनकी बहुत ही कम फीस है, वो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, उनको खड़ा रखना हमारी इखलाक की जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स की तादाद है 7010 है जो मुख्य कश्मीर में, उसमें से तकरीबन 2727 कश्मीर में। हाँ, यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन एक सही कर दूं कि कश्मीर में 2700 स्कूल है, जम्मू में 4300 स्कूल हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करिए, यहाँ पे सिर्फ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मिला के सिर्फ 914 स्कूल हैं और जम्मू में 2414। बहुत सारी बातें हैं या फैक्ट्स जो आप शेयर करना चाहते थे हम सबके साथ, और बहुत सारे सवाल है जो लोग आपके सामने रखने चाहते थे, लेकिन वक्त बहुत कम है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि हमें एक ऐसे माहौल को तैयार करना होगा जहाँ पर हम प्राइवेट स्कूल को बंद करके सरकारी स्कूलों को मजबूत करें? बिल्कुल, हम ये डे वन से चाहते हैं कि या तो सरकार बाकायदा तौर पे फेज वाइज बाकायदा तौर पे एक पर्टिकुलर क्लास के तहत प्राइवेट सेक्टर और फिर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सिस्टम जब पार्लर चलते हैं तो इसके लिए एक अलग रेगुलेटर होना चाहिए, जो रेगुलेटर प्राइवेट स्कूलों को भी मॉनिटर करे, जो रेगुलेटर गवर्नमेंट स्कूलों को भी मॉनिटर करे। जिस तरह टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी BSNL को, एयरटेल को मॉनिटर करती है, इसी तरह देयर मस्ट बी एन एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी विच विल रेगुलेट प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स, ताकि ये डिस्पैरिटी खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, और फिर जो एक्सप्लॉयटेशन का नाम बार बार दिया जा रहा है वो भी खत्म हो। क्या बात है कि एक डायरेक्टर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी खुद ही है, रेगुलेटर भी खुद ही है जी, और कंपेटर भी खुद ही है, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें कोई स्पेस नहीं है, हमें स्पेस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वार साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें भी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे या आला हुकाम के साथ रखना चाहते थे, उनके सामने रखना चाहते थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने तलक सवाल पूछे लेकिन आपने कितने ईमानदारी के साथ जवाब दिया उसका फैसला लोग करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ रहें, ताकि जो लोग शामिल प्रोग्राम फ़ोन कॉल के जरिए नहीं हो सके वो अपने सवाल आपके सामने रखें। लेकिन सच बात यह है कि जब आपके स्कूल में एक टीचर 5 दिन एबसेंट रहती है तो उसकी सैलरी डिडक्ट होती है, लेकिन आप पेरेंट्स से ये नहीं कहते हैं कि आप 5 दिन की फीस कम दे दें क्योंकि हमारा टीचर नहीं आया था। ये सच बात है कि टीचर्स के इंसेंटिव्स नहीं बढ़ाए जाते हैं, और ये सच बात है कि बहुत सारे मामलात पर अभी पर्दा उठाना बाकी है। परसेप्शन है जी, सच क्या है वो आवाम जानती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जिन पे हमने बात नहीं की। इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा आपको मधु करेंगे और बात जरूर होगी, ताकि आप अपनी बात लोगों के सामने रखें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। लेंगे आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि अगली इतवार को 7 से 8 मुदसर याकूब के साथ Season 2 में फिर शामिल प्रोग्राम रहेंगे आपके साथ। बराए रास्त प्रोग्राम ANN न्यूज के स्टूडियो से वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना TV न्यूज चैनल, आप हमें Facebook, ट्विटर और दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे दस्तियाब रख सकते हैं, और साथ ही में आप हमें अपने पेजेस के जरिए भी लाइक कर सकते हैं और जो आपके सवालात या तजावीज़ है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दुआएं आपके हक में पहले ही की है, आपकी बार ये दुआ की वो दुआएं को बोलो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कल देखेंगे आप 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ।